Hi everybody. So in this video, we will talk about pain from uric acid or gout. So uric acid के crystals बन जाते हैं जो कि हमें gout की problem होती है जिससे, और ये gout की problem usually हमारे big thumb nail पे होती है, पैरों के बड़े वाले अंगूठे के पास होती है, और दर्द काफी सीवियर होता है, और हमको लगता है कि वो जो सीवियर पेन है वो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल बने उसकी वजह से होता है. नहीं, वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, जो रेजर शार्प होते हैं, उनको हमारी बॉडी पैथोजन कंसिडर करने लगती है और वहां पे WBC भेजती है हील करने के लिए. और जब जहां पर भी WBC जाते हैं हील करने के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स जाते हैं हील करने के लिए, वहां वहां पे बॉडी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कंडीशन कहलाती है, मतलब बॉडी हील करने की कोशिश कर रही है. सो उस कारण से वहां पे हमको पेन महसूस होता है. और अभी हम पेन से रिलीफ अभी चाहते हैं क्योंकि इट्स अ सीवियर पेन. तो जब भी गाउट की प्रॉब्लम हो रही है और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आई एम टेलिंग यू फ्यू रेमेडीज जो बहुत वर्क करती हैं. तो एक आप जो सबसे इफेक्टिव चीज कर सकते हैं वो ये है कि आप सुबह जब अपना ACV लेते हैं तो ACV के साथ थोड़ा नींबू को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसमें जिंजर और हल्दी और अदरक का पानी भी ऐड कर सकते हैं, या उसको पहले पानी में उबाल लीजिए हल्दी और अदरक को, फिर जब वो कूल डाउन हो जाए तो उसमें लेमन, ACV और ब्लैक सॉल्ट मिला के पीजिए, तो आपको मदद मिलती है गाउट की प्रॉब्लम कम करने के लिए, पेन से रिलीफ लेने के लिए. अनदर थिंग दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली, थोड़े टाइम के लिए ऑर्गन मीट, सी फूड, फिश कम कर सकते हैं इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, एंड इफ यू आर वेजिटेरियन देन यू मस्ट अवॉइड मटर, पीस, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, लेंटिल्स, देन यू शुड कंप्लीटली अवॉइड. व्हाट एल्स यू कैन अवॉइड इज ऑफ कोर्स शुगर, एंड सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट अवॉइड व्हाइल यू आर फेसिंग यूरिक एसिड गाउट प्रॉब्लम. एंड व्हाट अदर देन दिस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड You can have supplement called potassium citrate that helps us making the body little alkaline. और alkaline माहौल environment में हमको वो जो crystals होते हैं उनको dissolve होने में मदद मिलती है, and you will feel relief from the pain. So this is few. These are the few things that you should be doing while you're facing gout problem. But in long term, what you should be focusing on in healing our kidneys. Why we should be healing our kidneys? Because the fundamental problem is not uric acid. Uric acid, 50% से ज़्यादा uric acid हमारी body खुद ही बनाती है protein का metabolism में, या जब RNA DNA disintegrate होते हैं, या other cells cure हो रहे होते हैं, या जब हम long fasting कर रहे होते हैं, body autophagy में होती है, तो already uric acid body में बन रहा होता है, और uric acid body के लिए बहुत ज़रूरी है. So it's not that we have to stop the production of uric acid. हमें हमारे kidneys किसी कारण से uric acid को बाहर नहीं निकाल पा रही होती है, तो हमें अपनी kidneys heal करने की ज़रूरत है. And I hope by now you know how to heal kidneys. You can heal kidneys by healing the insulin environment, insulin resistance, and that's the way. And how do you heal insulin resistance? By cutting down on sugar and refined carb and polyunsaturated oils. I hope this helps. Take care.